अभी संगीता सब्जी बना रही है तो उनको चलाना नहीं आ रहा है मिक्सर, तो मैं उनको बताने जा रही हूँ। रुक जाओ, ये तो बहुत बेकार मिक्सर है, मेरा सूट तो पूरा गीला हो गया है। अब मेरा मुंह में चला गया लहसुन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है, आज कुछ नहीं है, आज नॉर्मल डे है तो नॉर्मल ब्लॉगिंग होता है। तो रेगुलर इधर ब्लॉग मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा ही टाइम देते पर देते हैं। तो देखो ना वो बटन होगा। तो अभी संगीता सब्जी बना रही है तो उनको चलाना नहीं आ रहा है मिक्सर, तो मैं उनको बताने जा रही हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं बताती हूँ। इसको पहले दबा दो मिक्सर को। वही तो तेज पे दबा लो, काम करूंगी। ऐसे दबा के रखना, ठीक है? काम करो। देखो लाइट नहीं मिला था। भर किप करे हो क्या? हाँ, ये तो बहुत बेकार मिक्सर। हाँ, तभी फेंक दिया। दे पानी ज्यादा डाल, पहले वाला कहाँ गया? थोड़ा पहले वाला ना खराब हो गया है, पानी फेंक दो थोड़ा सा। तो इसमें कम पानी, तो ये हमारा मिक्सर थोड़ा इसमें ज्यादा थोड़ा पानी डल जाता है तो पूरा हम नहा लेते हैं और दीवार उवाल में छीटा पड़ जाता है। तो संगीता तो आधा गीली हो गई है। कहाँ से? ऊपर गीला हो गया सूट आपका। हाँ, सूट तो हो गया। और अभी हमारा चावल बन रहा है। चलो चावल तो मुझे ये मिक्सर का समझ में, बस उसको तेज की दबाओ। आप दबा अच्छा ना, मैं पीसूंगी कैसे, मैं बताओ। ऐसे तेज की दबा के रखो। मेरा सूट तो पूरा गीला हो गया है। अब मेरा मुंह में चला गया लहसुन। अच्छा ना, भी पीसना है। देखो इसमें छिलका छिलका है ना, इसलिए अब मैंने छिला नहीं था लहसुन, इसीलिए तो ऐसा हो गया है। कहते छिलका नहीं खाना चाहिए। लड्डू लाए ना, और दो तीन लड्डू में ना चूहा लड्डू लेके भाग गया। नहीं खाया है ना अंशु, एक लड्डू खाया है कल। दो लड्डू में खाया है पक्का? हाँ ना, कल मुझे सुबह लग रहा है ना कि चूहा लेके भाग गया। लिफाफे के अंदर से कैसे लेगा? बुरा हुआ, मैं सोच रही थी कि चूहा लेके लड्डू मंगा के बस वेस्ट करती हो। ठीक है, देखो मिक्सर थोड़ा गर्म हो गया, सब थोड़ा थोड़ा पीसना और हो जाएगा अच्छे से। और आपको पता, पहले संगीता रहती थी तो बनाती थी फुला हो देसी चना का, काले वाले चना का फुला कर पकौड़ी। अब संगीता चली गई तो मैं उतने दिन से पकौड़ी नहीं खाई हूँ, तो अभी है तो इसलिए मैंने बोला पकौड़ी बनाने के लिए, तो आज वो पकौड़ी बनाएंगी चने का, उसी की तैयारी चल रही है अभी। और सबसे ज्यादा ना मैं अंशु को दिखाती हूँ। अंशु पता है हो गया उसको 10 मिनट नहाए हुए, और 10 मिनट नहाने के बाद हमारा अंशु देखो क्या कर रहा है। ये इसको आदत है नहाने के बाद यूं टॉवल में लपेट कर और यूं लेटना गोद में। तो डेली तो ये पापा के पास लेटता है, आज तो पापा नहीं है तो ऐसे कर रहा कमरे में आकर पापा, तो ये इनके पास आगे कर रहा है पापा, तो ये गोद में लिए और आकर यहाँ पे सो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत जल्दी जल्दी उठ जाता है। और ये सो गया बेचारा, कपड़े भी नहीं पहना है ये। चलो इसको मैं कंबल से ढक देती हूँ, थोड़ा बाल पोंछ देती हूँ इसको मैं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। अब इसको मैंने ढक दिया, ये सो गया है, इसका बाल थोड़ा सा। ये बेचारा देखो कितने अच्छे से सो रहा है। और मेरा अंशु अभी इसको अगर उठा दी ना तो ये बहुत रोएगा। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, सारा कमरा सफाई हो गया तो एक कमरा रह जाता है बच्चों के चक्कर में। बच्चे तो आज मैंने सफाई किया, पता है सुबह सुबह 5:30 बजे गुड़िया को के लिए 5 बजे उठी, तो मैं 6 बजे तक पूरा सफाई कर ली मैं।
और सफाई करने के बाद तो अभी फिर गंदा हो गया, क्योंकि अंशु थोड़ा मतलब खाता वाता इधर गिराता, तो अभी वही सफाई कर रही हूँ, सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ जब वो खाते दिखा। उसको भी मत खिला मुझे। आई मुंह में है ना इसलिए। लेटर दिखा, खाते दिखा। वेरी गुड। कैसे खा रहे हैं।